इतनी बर्फ है, बहुत जंगल में ऊपर चढ़ आया मैं, आए कितना प्यारा व्यू है। तो हाय गाइस, आज हम बड़ी देर के बाद व्लॉगिंग करने लगे हैं फिर से, क्योंकि आज मौका ही ऐसा बड़ा अच्छा था व्लॉगिंग करने के लिए। बड़ी अच्छी जगह जा रहा था मैं, इसलिए मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी। मैं चलो थोड़ा सा एक छोटा सा व्लॉग ही बना लेते हैं। ये सामने जो नीचे आपको घर दिख रहा है ये वाला, यहाँ से हम चले हैं, यहाँ से हमने जाना है चढ़ के यहाँ से ऊपर आके, और ये देख रहे हो आप यहाँ से ऊपर बर्फ़ कैसी प्यारी प्यारी है। और यहाँ से चढ़ के हमने वो लास्ट ऊपर जो आपको एंड दिख रहा है वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे हम बर्फ़ के थोड़े नज़ारे जो हैं वो भी दिखाएंगे और साथ में थोड़े मज़े भी करेंगे। और वहाँ से हमने लकड़ियाँ भी लानी है, तो इसलिए हमारे व्लॉग को पूरा देखना, आपको पूरा एंजॉय दिखाएंगे। जो भी हम ऊपर करेंगे, जो भी काम हमारा होगा वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये देखो बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ से, और टॉप पे हम इस वक्त बहुत ऊपर चढ़े हुए हैं, और ये नीचे गांव है। यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं जो भी काम शाम होता है जंगल में, लकड़ियाँ शकड़ियाँ लाना जलाने के लिए, वो वहाँ हमसे हम लाते हैं वहाँ ऊपर लास्ट ऊपर टॉप से, और वहाँ चल के आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे। हमारे व्लॉग में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं अब ऊपर वीडियो में। यहाँ से पहले जो मैंने थोड़ी सी शूट की वो यहाँ से की थी, ये छोटा सा घर है, यहाँ से शूट की थी। और यहाँ पे देखो इस साइड बर्फ़ कितनी है। अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, इतना तकड़ा व्यू पॉइंट है कि ऐसी जगह तो बहुत कम ही मिलती है। और यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे आ नहीं सकता कोई, क्योंकि यहाँ पे सबसे प्यारी एक चीज़ जो है वो है रोड ना होना, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर रोड होती तो ज़रूर टूरिस्ट प्लेस थोड़ी सी बन जाती। यहाँ से नीचे अगर आप नज़र लगाओगे ना तो सीधा नीचे ही है, और यहाँ पे इतनी तगड़ी जगह बैठने के लिए पीछे प्लान है, और पीछे बर्फ़ भी है। इस साइड देखो कितनी बर्फ़ है, और इस साइड देखो कितना तगड़ा पॉइंट है, लेकिन सिर्फ इतनी सी कमी है कि रोड नहीं है। और यहाँ पे पीछे देखो छम, छोटा सा वाटरफॉल जिसको कहते हैं, तो ये वाटरफॉल भी है यहाँ पे। और अभी जो है पानी सूखा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो काफ़ी पानी होता है। और यहाँ से ऊपर चढ़ना है हमने, अभी जाना है यहाँ से ऊपर, ओ ऊपर लास्ट एंड ऑफ दी वॉल, तो वहाँ पे जाएंगे हम, वहाँ के थोड़े व्यू आपको दिखाएंगे, और यहाँ के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बर्फ़ तो देख ही लो आप कितनी, अभी तो और बर्फ़ पड़नी है फिर तो और मज़ा आएगा, लेकिन तब हम यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो इतना बड़ा गांव है हमारा, लेकिन सिर्फ कमी है तो सिर्फ रोड की। अगर रोड होती तो ज़रूर यहाँ पे भी कोई टूरिस्ट प्लेस बनती, लेकिन सिर्फ रोड की कमी है। ये देखो कितनी प्यारी बर्फ़ है। अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ, अभी यहाँ से बहुत ऊपर जाना है, शायद मैं व्लॉग पूरा ना बना पाऊँ क्योंकि बैटरी ऐसे जा रही है, क्या ही बताऊँ मैं। इतनी सर्दी है यहाँ पे तो मुझे लगता है अभी माइनस में चल रहा होगा वेदर, क्योंकि बहुत सर्दी है, हाथ इतने ठंडे हो गए। तो अभी हम यहाँ से क्रॉस होंगे, ये देखो बर्फ़ कितनी है, बहुत ऊपर चढ़ आया हूँ मैं जंगलों में, अभी तो मज़ा आएगा आगे, लेकिन शायद व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो चलो देखते हैं, अगर बैटरी बची तो व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा, ना बची तो अल्लाह हाफिज़। तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन व्यू यहाँ के हाय हाय बहुत प्यारे हैं। तो वो देखो छोटे छोटे से घर हैं, देखो ऊपर कितनी प्यारी डोक है, छोटी छोटी डारी है, ये बर्फ़ है, ये देखो जंगल। अभी मैं बहुत क्लोज पहुँच चुका हूँ, देखो कितनी बर्फ़ है, बहुत जंगल में ऊपर चढ़ आया हूँ मैं, आए कितना प्यारा व्यू है।